गाइस, दिस इज प्राजक्ता एंड वेलकम टू माय चैनल आर्टी क्राफ्टी। आज हम इस कार्डबोर्ड बॉक्स से सोलर कुकर बनाएंगे। ये बहुत ही कॉमन सा कार्डबोर्ड बॉक्स है जो एक पार्सल के साथ आया था। हम ग्लू की मदद से इस बॉक्स के बेस को स्ट्रॉन्ग करेंगे। मैंने बॉक्स के चारों साइड्स और बेस के नाप के कार्डबोर्ड पीसेस कट कर लिए हैं। ये सिर्फ एक साइंस प्रोजेक्ट नहीं बल्कि हर घर के लिए बहुत ही काम की चीज बनने वाली है। बॉक्स को और मजबूती देने के लिए इसे टेप से सिक्योर किया है। अब बेस के नाप का कार्डबोर्ड लेके हम उस पर ब्लैक पेपर स्टिक करेंगे। अगर आपके पास पेपर नहीं है तो आप ब्लैक पेंट भी यूज कर सकते हैं। साइड्स के लिए मैंने दो पतले कार्डबोर्ड पीसेस स्टिक किए हैं और अब उन पर हम एल्यूमिनियम फॉइल लगाएंगे। ये फॉइल रिफ्लेक्टर का काम करेगी। देखिए, ये फॉइल लगकर रेडी है। मैंने ऐसे चार पीसेस रेडी किए हैं। अब हम सारे कार्डबोर्ड पीसेस को बॉक्स में स्टिक करेंगे। ये जो DIY सोलर कुकर हम बना रहे हैं, ये एक फुल प्रूफ वर्किंग मॉडल है। आप इसमें बहुत सारे डिशेस बना सकते हैं। इस सोलर कुकर में आप खाना भी बना सकते हैं, खाना गर्म भी कर सकते हैं, पानी गर्म कर सकते हैं और माइक्रोवेव ओवन की तरह बेकिंग भी कर सकते हैं। वीडियो के एंड में मैंने इसमें एक डिश बना के दिखाई है। मैंने इस सोलर कुकर में क्या बनाया है और उसे पकने में कितना टाइम लगा, ये जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। बॉक्स के लीड को हम कट कर देंगे। तीन साइड की लीड हमें पूरी कट करनी है। एक साइड में हम लीड को आधे से ऊपर कट करेंगे। लीड का थोड़ा सा पार्ट हमें वैसे ही रखना है। ये देखिए, इस तरह से पूरे बॉक्स को हम ब्लैक पेंट से कलर करेंगे। ब्लैक कलर ज्यादा हीट एब्सॉर्ब करता है जो हमारे कुकिंग को स्पीड देगा, लेकिन ये कम्प्लीटली ऑप्शनल स्टेप है। आप इसे प्लेन भी रख सकते हैं। मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर के दो कोट लगाए हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के आगे जो बेल आइकन है उसे भी दबाएं ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हमारे सोलर कुकर को वाटर प्रूफ बनाने के लिए और इसे धूल मिट्टी से बचाने के लिए मैं इस पर वार्निश का कोट कर रही हूँ। वार्निश लगाने के बाद इसे ओवरनाइट सूखने के लिए छोड़ दें। अब हम सोलर कुकर का लीड बनाएंगे। इसके लिए मैंने और एक कार्डबोर्ड लिया है जिसके हम तीन हिस्से बनाएंगे। इन्हें अच्छे से पेपर टेप से स्टिक कर ले। पूरे लीड पर हम एल्यूमिनियम फॉइल लगाएंगे। लीड के बैक साइड पर मैंने ब्लैक पेंट किया है। ये भी एक ऑप्शनल स्टेप है। देखिए, हमारा लीड तैयार है। अब फिर से बेस की तरफ आते हैं। बॉक्स के तीन साइड्स का लीड हमने कट कर लिया था। सिर्फ एक साइड पर ही लीड का थोड़ा सा पार्ट रखा है। बॉक्स के साइज के अकॉर्डिंग मैंने एक ग्लास बनवा के लिया है। इसको बॉक्स पर रखकर साइड के लीड से स्टिक करेंगे। इस ग्लास को मैंने एक ग्लास शॉप से बनवा के लिया था। इसकी थिकनेस 6 mm है और ये मुझे 100 rupees में मिला। ग्लास को फिक्स करने के बाद सोलर कुकर का लीड कंप्लीट क्लोज हो जाए, इसलिए मैंने लीड को थोड़ा सा कट करके फिर से पेपर टेप से स्टिक कर लिया है। देखिए, ये अब अच्छे से क्लोज हो रहा है। मैंने ग्लास को फिक्स कर दिया है। इसे फिक्स करने के लिए मैंने पेपर टेप और स्ट्रॉन्ग ग्लू का यूज किया है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्लू है। इसे अप्लाई करने के बाद मैंने ग्लास को ओवरनाइट सूखने के लिए रख दिया था। ग्लास के ऊपर और नीचे तीन टेप लगाकर ग्लास को सिक्योर किया है। अब ये बहुत अच्छे से स्टिक हो गया है और यूज करने के लिए भी आसान है। इसी स्ट्रॉन्ग ग्लू की मदद से हम सोलर कुकर के लीड को स्टिक करेंगे।
जहाँ पर हमने ग्लास स्टिक किया है उसी साइड पर कुकर का लीड बिठाएंगे। देखिए इस तरह से ये क्लोज हो जाएगा। लीड को ग्लू लगाकर इसे भी ओवरनाइट सूखने के लिए छोड़ देंगे। और अब हमारा सोलर कुकर रेडी है। इस कुकर में जो डब्बे यूज होते हैं या तो वो एल्यूमिनियम के होते हैं या फिर ब्लैक कलर से पेंट किए हुए। मैंने यहाँ पर स्टील के डब्बों को ब्लैक एक्रेलिक कलर से पेंट किया है और ऊपर से वार्निश का कोट दिया है। अब इनको क्लीन करना इजी हो जाएगा। मैंने डिजाइन बनाने के लिए डब्बों के थोड़े पार्ट को कलर नहीं किया है। आप चाहे तो पूरी जगह ब्लैक कलर कर सकते हैं। मैंने मेरे सोलर कुकर के साइज के अकॉर्डिंग डब्बे खरीदे हैं। इसमें दो डब्बे एक साथ बैठकर और जगह बचती है। आप अपने बॉक्स साइज और रिक्वायरमेंट के अनुसार डब्बे खरीदे। सोलर कुकर के लीड को एडजस्ट करने के लिए मैंने दो वायर्स यूज किए हैं और तीन होल्स बनाए हैं, तो इसे हम सनलाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। हमारा सोलर कुकर रेडी है, तो आइए इसे टेस्ट करते हैं। ये एक डिजिटल थर्मामीटर है। दोपहर के 3:30 बजे पुणे का टेम्परेचर 36.1 और 2 के आसपास है। हम इसे 5 मिनट के लिए हमारे सोलर कुकर में रख देंगे और तब तक हम हमारी डिश के लिए प्रिपरेशन करते हैं। मैं आपको सोलर कुकर में ओट्स बना के दिखाने वाली हूँ। तो ओट्स बनाने के लिए मैं ये ओट्स का पैकेट इस डब्बे में खाली कर रही हूँ और अब इसमें पानी डाल देंगे। सोलर कुकर में खाना पकने के लिए बहुत ही कम पानी की जरूरत होती है, तो पानी जरा ध्यान से डालें। बनाते बनाते आपको पानी का अंदाज आ ही जाएगा। फ्रेंड्स, इस सोलर कुकर को बनाना और यूज करना बहुत ही आसान है। आप भी इसे घर पर बनाएं और सनलाइट का पूरा पूरा यूज करें। इन ओट्स को हम एक बार स्टर करेंगे। यहाँ पर मुझे लगा कि पानी थोड़ा कम पड़ा है, इसलिए मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया। अब इन ओट्स को एक बार स्टर करके डब्बे को बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, 5 मिनट हो गए हैं, तो देखते हैं कि सोलर कुकर का टेम्परेचर कितना बढ़ गया है। डिजिटल थर्मामीटर को बाहर निकालते ही इसका टेम्परेचर तेजी से ड्रॉप होने लगा। सी फ्रेंड्स, 5 मिनट में ही सोलर कुकर का टेम्परेचर 36 से 60 तक चला गया। इसका मतलब ये काम कर रहा है। तो चलो अब इसमें खाना बनाते हैं। मैंने 4:15 बजे ये ओट्स का डब्बा सोलर कुकर में रख दिया था और 1 घंटे बाद मैंने इसे चेक किया तो ये परफेक्टली कुक था। सोलर कुकर में से डब्बे निकालते वक्त किसी मोटे ग्लोव्स का ही यूज करें, ये डब्बे बहुत गर्म हो जाते हैं। मैं इस डब्बे को घर के अंदर लेकर आई हूँ और ये अभी भी बहुत गर्म है। आपको डब्बे के लीड पर स्टीम दिख रही होगी। ये देखिए ये ओट्स कितने अच्छे से बन गए हैं। इसे बनाने के लिए 1 आवर का टाइम लगा। मैंने इन्हें 4:15 को सोलर कुकर में रखा था और ये 5:15 बजे खाने के लिए रेडी है। ये ओट्स एकदम अच्छे से बने हैं, जैसे हम गैस पर बनाते हैं उसी तरह से ये बने हैं। इसकी थिकनेस कम या ज्यादा करने के लिए आप उस अकॉर्डिंग पानी डालें। मैं ये थोड़े ओट्स टेस्ट करके बताती हूँ ये कैसे बने हैं। यस, इट्स वेरी टेस्टी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमने वेस्ट मटेरियल से और बहुत ही कम खर्च में ये सोलर कुकर का वर्किंग मॉडल बनाया है। इसे बनाना और यूज करना बहुत ही आसान है। आप भी इसे घर पर बनाएं और सोलर एनर्जी का पूरा पूरा यूज करें। आपको आज का वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरह के नए नए वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।